वेलकम टू दिव्यम वाणी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहता है फॉर दीक मे ट्वेंटी सेकेंड टू ट्वेंटी एट्थ मे तक आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है चलिए देखते हैं यू हैव टू चूज़ वन कार्ड दिस इज मरून क्रिस्टल दिस इज़ वाइट क्रिस्टल एंड दिस इज़ ब्लैक क्रिस्टल यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक योर टाइम जिन्होंने मेरून क्रिस्टल चूज़ कराया है उनके लिए मैसेज है कि आपकी लव लाइफ़ में इस विक एक कोई न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन होने वाला है अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, तो आपकी रिलेशनशिप न्यू लेवल पे जा रही है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बेटर हारमोनी की तरफ बढ़ रही है एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपके लव लाइफ में बिगिन होने वाला है अभी तक आप लोग हो सकता है कि ज़्यादा क्लोज़ नहीं हो आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करते हों एक दूसरे को बट ना एक न्यू चेंज आ रही है आपकी लव लाइफ में और आप लोग मोर रोमांटिक हो जाएंगे मोर फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे और आपकी बॉन्डिंग और क्लोजनेस और आगे बढ़ जाएगी जिन्होंने वाइट क्रिस्टल चूज़ करा है उनको यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज आपको अपनी लव लाइफ़ में अपनी क्या ऐसी चीज़ें होल्ड करके रखी हुई हैं फीलिंग्स होल्ड करके रखी हुई हैं पास्ट की जिसको लेकर के आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी आ गई है तो आपको उन सब फीलिंग्स की पास्ट की हर्टफुल थिंग्स को रिलीज़ करना है और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लानी है एक पॉजिटिव वाइब्स लानी है तो आपके लिए मैसेज यही है कि आप आगे बढ़िए और अपनी जो हर्टफुल फीलिंग्स हैं उनको छोड़िए मूव ऑन करिए क्योंकि इस इन उन फीलिंग्स और उन ब्लॉक्ड एनर्जीज़ के साथ आप अपनी लव लाइफ़ को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे तो आपके लिए अगर आप हैप्पीनेस चाहते हैं हारमनी चाहते हैं हारमनी चाहते हैं बॉन्डिंग चाहते हैं तो उन सब चीज़ों के लिए आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा अपनी जो हर्टफुल फीलिंग्स हैं उनको रिलीज़ करना पड़ेगा जिन्होंने ब्लैक क्रिस्टल चूज़ करा है उनके लिए मैसेज है कि कमिंग वीक आपको अपने स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन आप अभी तक यही सोच रहे थे कि आपके पार्टनर फर्स्ट मूव लेंगे आपके लिए बढ़ेंगे आपको प्रपोज करेंगे आपकी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे फर्स्ट बट आपको अपने कम्फर्ट जोन से बाहर बाहर निकलना पड़ेगा तभी आपकी लव लाइफ आगे मूव ऑन होगी क्योंकि अभी आप अपने कम्फर्ट जोन में या इमेजिनेशन में हैं ड्रीम कर रहे हैं बट आप अपने फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं कि वो भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें और आप भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो आपकी एक बॉन्डिंग हारमोनी इम्प्रूव हो आगे बढ़े आप आपका रिलेशनशिप न्यू लेवल पे आएँ तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने पार्टनर को प्रपोज करिए उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करिए थैंक यू